उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के घोसी लोकसभा के बसपा प्रभारी एवं बसपा प्रत्याशी अतुल राय जनपद में लगातार गांव-गांव जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं जनसंपर्क में बकायदा भाजपा के एक एक चुनावी भाषण और 5 वर्षों के किए गए कार्यों को अपने तर्कों से जनता के सामने उजागर कर रहे हैं। वहीं अतुल राय के दिए गए तर्कों से अन्य पार्टियों में भी खलबली मची हुई है। 2014 में जो वादे करके भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सत्तारूढ़ हुई थी, अब वक्त आ गया है कि उन वादों का उनसे हिसाब लिया जाए कि 5 साल पहले जो उन्होंने वादे किए, क्या उन वादों को उन्होंने पूरा किया। बहुजन समाज पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते यह हम लोग का नैतिक दायित्व बनता है कि जो नुमाइंदा हमारे बीच में आया और जिसको चुनकर हमने भेजा था, उससे इन सवालों के बाबत पूछा जाए। मेरे भाइयों, 2014 में जब हम टेलीविजन खोलते थे और कोई भी चैनल खोलते थे तो उस पर 2-4 बहुत अच्छे अच्छे नारे दिखाई देते थे, बहुत अच्छे अच्छे भारतीय जनता पार्टी के स्लोगन चलते थे। बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ महिलाओं पर वार, अब की बार मोदी सरकार। भ्रष्टाचार के मामले में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, जीजा जी घोटाला, कोलगेट घोटाला, इन घोटालों की बात प्रधानमंत्री मोदी जी अपने मंचों पर खड़े होकर पुरजोर तरीके से उठाते थे। न बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, नारी पर अत्याचार के मामले में दिल्ली में हुई निर्भया घटना को वह दिखाते थे कि इस तरह की विभत्स घटना अब दोबारा नहीं होनी चाहिए। बहुत हुआ महंगाई पर अत्याचार, महंगाई के मामले में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को वह हम आम नागरिकों के सामने रखते थे कि इतनी ज्यादा कीमतें हो गई। अब हमारा दायित्व बनता है कि उनसे पूछा जाए क्या भ्रष्टाचार में जो भ्रष्टाचारी फंसे थे वो जेल चले गए, अगर जेल चले गए तो क्या उनको सजा हो गई। महंगाई के मामले में पूछा जाए कि क्या 2014 की तुलना में इंटरनेशनल क्रूड ऑयल, अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में घटाव के बाद भी भारतीय बाजार में पेट्रोल और डीजलों का दर क्यों लगातार बढ़ता चला जा रहा है, यह सवाल उनसे किया गया। किस तरह के 3-4 जो वादे थे उनके, उसके बाबत उनसे पूछा जाए। मेरे भाइयों, भ्रष्टाचार पे क्योंकि अब सारी चीजों पर बोलूंगा तो बहुत समय हो जाएगा, मौसम भी खराब है तो, और आप बहुत देर से इंतजार भी कर रहे हो, तो केवल भ्रष्टाचार के मामले में एक उदाहरण देके बंद कर दूंगा अपनी बात को। उस वक्त 2G स्पेक्ट्रम घोटाले को बहुत जोर शोर से उस पर हल्ला था। कहा गया कि कांग्रेस के तत्कालीन टेलीकॉम मंत्री के राजा ने और अन्ना द्रमुक की सांसद काली मोझी ने स्पेक्ट्रम के अलॉटमेंट में, स्पेक्ट्रम के आवंटन में 2.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला किया। कांग्रेस की सरकार FIR कराती है, काली मोझी और ए राजा को जेल भेजा जाता है। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है या दोनों लोग जेल में रहते हैं। आज 2014 के बाद 2016 में उस केस का फैसला आता है और भ्रष्टाचारियों को सबूत के अभाव में CBI को बाइज्जत बरी कर देती है। मोदी जी ने तो कहा था कि भ्रष्टाचारियों को सजा दिलाएंगे। 2014 से 2016 तक 2 सालों तक लगातार CBI के जज सरकार को नोटिस और सम्मन जारी करते रहते हैं कि किसी भी आप एक जिम्मेदार इंसान को अदालत में भेजो जो सरकार का पक्ष रखे और यह बताए कि किन दस्तावेजों में छेड़छाड़ करके किस प्रक्रिया के तहत इन्होंने इस स्पेक्ट्रम को अपने लोगों को दे दिया, लाइसेंस अपने लोगों को दे दिया और 2.5 लाख करोड़ का नुकसान किया। लेकिन मेरे भाई, सरकार अपना पक्ष रखने में पूरी तरह से फेल रही और उन भ्रष्टाचारियों को कोर्ट से बाइज्जत बरी कर दिया। यह झूठे वादे थे, यह झूठा वादा था भ्रष्टाचार पर, यह झूठा वादा था महंगाई पर। आपको याद होगा 2014 में कच्चे तेल की कीमत अंतरराष्ट्रीय मार्केट में $121 पर बैरल था, $121 पर बैरल
होने के बाद भी कीमत कभी भी 64 रुपए से ऊपर नहीं गई थी और आज इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे दाल की कीमत जब $50 पर बैरल आ गई है, आधी गोभी कम तभी भी कीमत उससे बढ़ी चली जा रही है। मेरे भाइयों,